सुबह किया था। कितने लोग थे आप? दो लोग, हस्बैंड भाई। अच्छा, आप हस्बैंड और भाई। घूमने के लिए पिछले कल जिला कांगड़ा में मौसम ने अचानक करवट बदली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इसी मूसलाधार बारिश होने के कारण धर्मशाला घूमने आए पर्यटक जिला कांगड़ा के करेरी लेक, भागसु नाग व गुड़ा माता के साथ लगते नाले में पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण फंस गए। घूमने के लिए इस बात की सूचना जब जिला कांगड़ा पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने तुरंत बचाव का कार्य शुरू कर दिया। इस बचाव कार्य में गनीमत रही कि पुलिस ने समय रहते सभी 40 लोगों को रेस्क्यू कर लिया और सभी पर्यटकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए जिला कांगड़ा के ASSP हितेश लखनपाल ने बताया कि जिला कांगड़ा में अचानक बारिश होने से तीन जगहों पर, जिसमें भागसु नाग, करेरी लेक व गुड़ा माता के साथ लगते नाले में पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण करीब तीन पर्यटक फंस गए। इसी के साथ भागसु नाग वाटरफॉल में जलस्तर बढ़ने के कारण 11 पर्यटक फंस गए। वहीं करेरी लेक में 26 पर्यटक फंस गए थे। उन्होंने बताया कि गुड़ा माता व भागसु नाग में रात करीब 8 बजे तक बचाव कार्य चलता रहा। ये कल अचानक जो बारिश हुई है उसके बाद हमारे तीन जगह पे लोग, हमारे जो पर्यटक आए थे वो फंस चुके थे, इसमें भागसु और गुड़ा माता और तीसरा करेरी लेक के पास। तो भागसु और गुड़ा माता तो हमने ये 8 बजे तक ऑपरेशन चला है रात के, उसमें सबको सुरक्षित निकाल लिया गया था। और जो करेरी लेक में चला है वो रात को 12:15 बजे जो है SDRF और पुलिस की टीम ने उन सभी को, जो बाहर के पर्यटक आए थे, उन सबको सुरक्षित निकाल लिया है। कोई कैजुअलिटी तो नहीं? नहीं जी, नहीं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कांगड़ा से राहुल चावला की रिपोर्ट।